क्या पट्टी देखिएगा खुल रहा है, श्रुति रेडी देखिएगा बाबा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल अंश का बर्थडे, कल अंश को हम लोग बर्थडे बम देंगे, हैप्पी बर्थडे में। तो आज इसका बर्थडे बॉय, आज ये है बर्थडे बॉय, घर के बर्थडे बॉय है, और कल ये रहेगा, कल ये रहेगा स्वीट सब। और हाँ, आज तो दसवीं भी है ना, आज तो दसवीं भी है, तो दो चीजें तो बहुत अच्छे सरप्राइज बर्थडे का। हाँ, कुछ कुछ ज्यादा उम्मीद मत जगाइएगा। अपने सब्सक्राइबर्स को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, इतना हम लोग काम में बिजी रहे कि दुर्गा पूजा एंजॉय नहीं कर पाए, बस अब दीपावली और छठ आने का वेट कर रहे हैं। उसका भी वही है, दिवाली तो खैर दिवाली नहीं है, वो खटाली है। खटाली बहुत खटाली होता है बाबा। एक्चुअली दुर्गा पूजा से शुरू हो जाता है खटाली और छठ तक चलती है खटाली, लेकिन फिर भी बहुत मन लगता है। तो अभी हम लोग विक्की को कहीं लेके जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा दसवीं है तो घुमा फिरा देते हैं बच्चा। और एक और चीज, आज जो है आज हम कुछ सोचे हैं कि इनको एक अच्छा से गिफ्ट दें, तो गिफ्ट इनको हम ये दे रहे हैं कि आज हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे, आज इनको डांटेंगे नहीं। बहुत अच्छा गिफ्ट है, आज आप जो बोलेंगे वो मानेंगे, ठीक है। तो आज का गिफ्ट श्रुति दे चुकी है यही कि आज आपसे लड़ाई नहीं करेगी और आहाना को आपको गोदी में भी नहीं देगी, आप फ्री है एक बार, आज दिन भर रखेगी ये, ठीक है। तो चलो कुछ तो देना चाहिए ना विक्की को, तो फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं और कुछ थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, दसवीं है, दसवीं के दिन तो ऐसा बोरिंग थोड़ी होने देंगे। रात का पार्टी का भी सामान लेना है हम लोग को, सामान लेना है, निकलते हैं, तो कहीं से भी निकलते हैं, देखते हैं ये लोग क्या क्या प्लान किए। गाइस, अभी श्रुति सबको चाय पिला रही है और सबको चाय पीने के बाद अभी उसका आज का पूरा पार्टी हम अरेंज किए हैं, चाय के साथ बर्थडे में सब करना पड़ता है। हाँ, जिसका जैसे अभी श्रुति कर रही है तो श्रुति का कट रहा है और फिर कुछ दिन के बाद विक्की का कटेगा, लेकिन विक्की का टाइम मेरा भी बर्थडे आ रहा है, तो उनका कटेगा सबसे लास्ट, श्रुति का बर्थडे आएगा तब तक। सबसे पहले मेरा बर्थडे आता है जनवरी में, लेकिन लगता है कि सबसे लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसके तक पहुंचते तो सब कंगाल हो जाता है, सब कंगाल हो जाएगा, जो बचे कुछ पैसे होंगे उसी में इसका बर्थडे गुजारा कर लिया जाएगा। हम सबके बर्थडे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, चाय पी, चाय काफी ठंडा हो गया है, ठंडा करके पिए बर्थडे के। ये चाय नहीं पीती, ये शरबत पीती, इसने बोले चाय क्यों बोलती, बदनाम कर दी चाय को, नहीं ये शरबत होता है ना, गर्म चाय पीते तो मेरा जीभ जल जाता है, हमेशा जलता है, फिर हमको खाने का टेस्ट नहीं लगता है दिन भर, इसीलिए हम ठंडा करके पीते, रिस्क नहीं लेने का। तुम बाबा चाय स्पेशल खाना है तो आज तो बिल्कुल भी रिस्क। हाँ, तो आज इसको पीने देते हैं, फिर उसके बाद अभी निकलेंगे हम लोग घर को, और घर में फिर बहुत सारा काम है, ठीक है, पकड़िए भी थोड़ा सा। तो गाइस, अभी आ गए हम लोग मार्केट से, और ये है अंश, आइसक्रीम खाते हुए। आइसक्रीम कहाँ से लाया, आइसक्रीम कहाँ से लाया, मेरे फ्रिज में था, मैं अंकेश को भी दिया और अपने में। तुमको तो सारा आइसक्रीम खुद नहीं खा जाना, तुमको तो खांसी भी है ना, हम लोग नहीं, अभी तो खांस रहे थे तुम। हम लोग घर आ चुके हैं और विक्की को आहाना के साथ थोड़ा एंगेज होने के लिए छोड़ दिए, और देखो अभी मैं ना इनसे, मैं मटन छूती नहीं हूँ, तो अभी ये देखो बेचारे साफ कर रहे हैं। Actually, मैं मटन बनाने में पॉपुलर हूँ, पॉपुलर है पूरे यहाँ ही नहीं, मैं ससुराल स्कूल ससुराल हर जगह। हाँ, मैम की शादी में भी, मतलब मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है, हाँ, अर्चना मैम, हाँ, उनकी शादी में भी, शादी के बाद मुझे एक खस्सी बच गया था उसमें, अरे वाह, हाँ, तो वो पूरा मैंने ही बनाया था, 14-15 किलो का था। अच्छा, तो मैम को तो बहुत पसंद आया होगा ना, मैम को पसंद आया था, मतलब जीजा जी जो है, हाँ, तो उनके हस्बैंड, हाँ, अभिनव जी को भी बहुत पसंद आया था, हाँ, तो वो लोग आज भी नाम लेते हैं मटन का, हाँ, तो आई एम एक्सपर्ट। तो विक्की को हम लोग क्या बताए कि मछली लेके आए ना,
विक्की को हम लोग बताए कि मछली लेके आए हैं, और लेकिन उनको बता देना पड़ेगा क्योंकि स्मेल तो चल जाएगा नाक में, उनको तो पता चल जाएगा। तो अभी हाँ, तो उनके एक काम करो, उनके आंख में एक पट्टी बांध दो, ठीक है, उनके एक पट्टी बांध दो, बोली चलिए आपके लिए देखिए कुछ खाने के लिए, हाँ चढ़ा देते हैं, हाँ ऊपर गए हैं, अच्छा ठीक है, तो वो आएंगे तो उनके आंख में पट्टी बांध देना और दिखलाना कि उनका फेवरेट पहला गिफ्ट उनको मिल चुका है नंबर वन, ठीक है। बटन तो चढ़ चुकी है और अब विक्की को लाना है आइस को ये करके, जाते हैं पहले, सबसे पहले श्रुति को बोलते हैं, ठीक है, और जाइए पापा ऊपर, अच्छा तो हम जाते हैं ऊपर सबसे पहले और श्रुति को आवाज, श्रुति अरे यहीं पे हो, तो अभी एक यार, तो श्रुति विक्की का पहला सरप्राइज उनको नहीं बताओगी क्या? आइस बंद करो, हाँ वरना वरना फिर गिर जाएंगे, वो चोट उठ लग जाएगा, चोट उठ लग जाएगा, तो बस ऐसा नहीं करना, अरे गजब का बात, पूरा दिख रहा है, आप पकड़ के रखिए ना विक्की, पकड़ के रखिए, नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, नहीं तो कोई सरप्राइज नहीं, अभी पहला सरप्राइज आपका, फिर आगे आगे देखिए धीरे 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 सरप्राइज मिलता है, तो धीरे धीरे हाँ बना बर्थडे, फिर बर्थडे आपका संडे में हो जाएगा, हम आ रहे आ रहे, देखिएगा बाबा, कुछ फील हो रहा है क्या? इनको धक धक वाला सीन, ठीक है ठीक है, चलिएगा तुम अब धीरे आते रहिए, आते जाओ बाबा, आते जाओ बाबा, आप अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर अंदर आइए, आइए आइए आइए, आप हटिए ना, तो ये रहा हम लोग का चढ़ चुका है और विक्की को स्मेल करवाया जाएगा, आइए चलिए आइए सुनिए, जलिएगा नहीं, जोर से टनिए, टनिए, मछली है कि मुर्गा है कि मीट है, आया नहीं 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 नहीं, जोर से टनिए, जोर से टनिए, टनिए ए पागल, क्या खाते हैं आप, तब आप क्या खाते हैं, तुम गड़बड़वा रही, नहीं नहीं आप कुछ नहीं खाते, तब नहीं आप खाना ही नहीं खाए, तब फिर से सुनिए, मटन है, नहीं है बाबा, फिर से फिर से फिर से सोच लो, ये मटन नहीं है, इतना प्रेशराइज क्यों कर, तो आइस खोलो, अब देखते हैं कि सही बोले कि नहीं बोले, लेकिन आप गलत बोले विक्की, आप गलत बोले, रुक जी, तो सोच कैसे लिए कि मछली आएगा, वही तो जो आपको पसंद नहीं हो कैसे आ सकते हैं, तो फिलहाल बनने देते, एक सरप्राइज कैसा लगा, मस्त था, ये श्रुति पहला सरप्राइज दी आपको, ठीक है, एवरीवन सभी का मेहनत है इसमें, और पहला सरप्राइज को बहुत अच्छा लगा, अब नेक्स्ट सरप्राइज के लिए वेट कीजिए, ठीक है, रानी अपने बाबा के साथ खेल रही है, आना के साथ बाबा के साथ खेल रही है, बाबा और आना दोनों खेलू खेलू कर, बाप ले बाप, तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गा बाड़ी और आज दशमी है, और श्रुति जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, म्यूजिक चला जाए, जल्दी से पूजा कर लेते, फिर यहाँ पे जयंती लेके हम लोग को घर जाना है, क्या बोलना था, एक्चुअली यहाँ पे गाना शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, आज यहाँ पे ना जयंती पढ़ने के बाद यहाँ पे सिंदूर खेला भी होता है, होप कि हम लोग उस पर पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि मतलब ये लोग को लेट लगेगा, तुम लोग को घर भी जाना होगा, आपको लास्ट टाइम माँ का दर्शन करा देते हैं, और फिर माँ एक साल के बाद हम लोग से मिलने के लिए आएगी, और हम लोग को इस बात का बहुत दुख रहता है, दुर्गा पूजा ना हम लोग का सबका फेवरेट फेस्टिवल, हम लोग मरे बचे दवाई खा के कुछ भी खा के 10 दिन हम लोग किसी तरह करके अपने शरीर को ठीक रखते हैं, और माँ का पूजन करने के लिए आए हैं, पूजा कर लेते हैं, हाँ पूजा कर लेते हैं, और फिर माँ का दर्शन भी करा देते हैं आपको लास्ट, और देखो हेलो हेलो हो गया, तो गाइस अभी हम लोग माँ दुर्गा का परिक्रमा कर रहे हैं, विसर्जन से पहले का आज परिक्रमा होता है वो कर रहे हैं, इसलिए आपको दिखाती हूँ, आंटी भी आ चुकी है, परेशान है एकदम,
बहुत मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बहुत खुशी की माँ हमारे यहाँ 10 दिन रही और हम लोग का मनोबल बनाई, स्वस्थ रखे हम लोग सबको और बहुत उल्लास रहा, सारे देशवासियों की रक्षा करे, सबका कल्याण करे, हमारा भी करे, फिर आए माँ हम लोग को खुशी खुशी आ चुके थे और आने के बाद फिर कुछ काम था, पापा को खाना देना था वगैरह, सब कुछ हो गया। तो सब कुछ होने के बाद हमारा अब खाना लग रहा है, वो दिखाते हैं कि आप देख रहे हो। अब ये दे रहे सर्व कर रहे हैं सबके थाली पे, तो मुझे लगता है ज्यादा मत दीजिएगा, इनफ है, इसको निकाल दीजिए। यस हाँ, वो मुझे पसंद नहीं है। और ये रहा हमारा मटन बनकर तैयार, लजीज। ये तू? हाँ वो ये? और श्रुति की भूख, श्रुति की भूख से 3:30 बज गए, हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम गिर जाएंगे। सुन सकती तू? भाभी को दिया हुआ पीस जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। वो आंवला बावला हो रही। अरे दो ही पीस खाते हैं हम, लेकिन अच्छा से खा। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने सारा सामान ले लिया, गिफ्ट्स, केक्स वगैरह सब कुछ, उनका बच्चा उनका बच्चा भाभी का भी गिफ्ट ले लिए हम लोग, और अब जा रहे हैं हम लोग कार में बैठने के लिए। तो चलिए, मेरा पूरा मुंह में सिंदूर लगा हुआ है। तो गाइस हम लोग अब बैठ गए हैं अपने अपने कार सीट पे, और अब हम लोग लेके जाने वाले लेने वाले हैं अन्नी को, अन्नी को लेने वाले अभी। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, और हम लोग कोई काम करे उस पे पोपट ना हो, हम लोग के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस प्राणी को लेने के चक्कर में मैं भींग गई पूरा। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हम लोग के साथ क्या पोपट हुआ है। ये जो है ना, खा सकती है? नहीं, इसका कुछ पावर नहीं। कुछ पावर नहीं है। क्या पावर बताना? तुम्हारे क्या पावर है बताना? हम टीका खा सकते हैं, गुदगुदी में गुदगुदी लगता है। ए, गुदगुदी लगता है को पावर है। देखिए अभी हम लोग स्पॉट्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर किया जाए, और ये देखिए जगह तो मिल नहीं रही है। काफी अजीब टाइप का जगह है, हम लोग को कुछ चाहिए एकदम डरावना जगह, ताकि उनको लगे कि आई लो हमको कहाँ लाके छोड़ दिया है। तो ऐसा कुछ ये जगह मुझे ठीक लगा नहीं है, नेक्स्ट जगह पे जाके देखती हूँ, काश वो अच्छा लग जाए। थोड़ा देखती हूँ इधर कुछ हो, ये जगह फोटो खिंचाने लायक नहीं है। नहीं नहीं, आगे चलिए, कोई अच्छा जगह मिलेगा तो रुक के थोड़ा फोटो वगैरह खिंचवा लेंगे। हाँ
इसकी तो हमारा दूसरा सरप्राइज जो है वो टन टन। तो गाइस हम लोगों ने ये लोकेशन चूज कर लिया है और विक्की का खराब है। हाँ, और विक्की के आईज में अभी कपड़ा बांधा हुआ है। हाँ। तो आपको दिखलाते हैं कि कैसे कपड़ा बांधा हुआ है, तो उनको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हमारी कार जो है वो आ गई है, अब इनको उतारा जाएगा नीचे। ये देखिए आंखों में इनकी पट्टी बंधी हुई है, आईज क्लोज है और अब कम डियर। तो अब आग का पट्टी विक्की का खुल रहा है। श्रुति रेडी, पहले लोकेशन उधर का दिखा, उधर का देखो। जंगल में आओ, तुमको छोड़ने आए हैं, आपको छोड़ने आया है। और आप देखिए डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा लगा। अरे मेरा दुपट्टा दे दो यार। अब कैंडल जल्दी से जलाया जाए। देख रही है मौसम कैसा हो रहा है, बहुत मुश्किल से मौसम को हटाया जा रहा है जल्दी, लेकिन कैंडल जलेगा तो यार। हाँ मौसम तो बहुत ही गंदा है। अन्नी आ जाओ, टूटू आ जाओ। ओ यार जलना बहुत मुश्किल है, फिर भी इसको जलाया जाए। पता नहीं ये जलेगा कि वो जलेगा, ये भी नहीं। दोनों में से जो जल जाए। तो कैंडल जलाने के लिए यहाँ आना पड़ा है। ओह शिट यार भूल गया। इम्पॉसिबल है कैंडल के बिना। बिना कैंडल का केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये डेयरी मिल्क मैं खरीदी थी खिलाने के लिए, अयान से इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो आप जल्दी से पहले खा लीजिए वरना अयान से इसको टूट पड़ेगा। तो बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे बहुत मजा भी आ रहा है। आओ मम्मी, ये जो दिन हाँ यस yes. आज तो हमारी गाड़ी की भी बर्थडे है। ये आज के दिन बुकिंग हुआ था ना, पिछले साल इनको बर्थडे में यही कार गिफ्ट मिला था भाव, पिछले साल यही मिला था ना। सही से एक बार मीठा कराते हुए डेयरी मिल्क से अपना वाला पकड़िए। अच्छा तो ये रही हमारी जगह से शॉपिंग किए हैं, दोनों झोला भी सेम है। तो इनको चलिए गिफ्ट देते, गिफ्ट लेने के बाद ही मुंह खुश होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बॉय, थैंक यू सो मच। जो कि मेरा फेवरेट है एक्चुअली, मुझे कपड़े बहुत पसंद है तो उसी के हिसाब से गिफ्ट भी मिला है। जोर से बोलिए थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए, थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए और स्पेस के लिए, सरप्राइज के लिए, यूनिक था। हाँ बहुत यूनिक सरप्राइज था और कभी हम सोचे नहीं थे कि ऐसा कुछ सबको लगा था। हाँ। लेकिन ये हम नहीं सोचे थे, ये बहुत यूनिक था। हाँ। कि जंगल में एक ऐसा लोकेशन जहाँ कोई ना हो आसपास, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। एक्चुअली नेचर लवर है ना, तुमको ऐसा ही इलाका बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए चलिए इट्स ओके इट्स ओके, मेरे बर्थडे में आपको ऐसे कुछ करना होगा। तो चलो हम लोग अब निकले, अब निकले वरना वर्षा शुरू हो जाएगी। ला 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 ला
पानी नहीं मिल रहा अभी। वहाँ देखो हम लोग का हाल क्या हो गया, इतना जोर का बारिश होने लगा, इन दोनों को धकेल धकेल के ऊपर घुस रहा है। अभी दो मिनट में मजा आ गया, मतलब जैसे हम लोग रेडी में अंदर जाने के लिए तो बारिश छूट गया, फिर हम लोग बाहर निकल के खेलने लगे थे, फिर बारिश होने लगा और सबसे टाइम पे केक कटिंग हो गया। अभी हम लोग का सबसे बड़ा पोपट हो जाता है, सब प्लान चौपट हो जाता है बारिश के कारण। थैंक यू भगवान, बचा लिए, वन सेकंड के लिए बचा लिए। बहुत मजा आया, दौड़ के जो हम लोग उसे बहुत मजा आया। कैसा लगा? तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आप देख सकते हैं कि 5:30 बजे शाम को ही कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है यहाँ पे। और इस भीड़ को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कितना ज्यादा भीड़ होने वाला है। मौसम भी काफी ज्यादा सुहाना हो चुका है, खाली बारिश ना हो, बारिश जो होना था वो हो चुकी है और हवा वगैरह चल रहा है। तो निकलेंगे हम लोग भी थोड़ा लेट से निकलेंगे ताकि भीड़ भड़क का जो थोड़ा कम हो जाए। तो हम दोनों ये दोनों के बीच में हो रहा था, अब देखना कि ये दोनों की मम्मी इन दोनों को जिताती है। आया छोड़ दो, ठीक है, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। छोड़ो गाइज अभी बज रहे हैं 10:30। अब हम लोग निकल रहे हैं, कारण ये है कि बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, हम लोग नहीं निकल पा रहे थे, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी दिखाते हैं कि हम लोग कौन कौन हैं जो हम लोग साथ में घूमने वाले हैं अभी। तो गाइज अभी हम लोग ये सब साथ में हम लोग निकल रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। तो अपडेट करते हैं आज हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो हम लोग के ब्लॉग में आप लोग बने बने। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मम्मी के घर और मम्मी पापा को हम लोग प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि 10वीं है और 10वीं में जरूरी होता है अपने पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद लेना। तो हम लोग आए हुए हैं सबको, और यहाँ पे सारे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और अभी तक जीजा जी और दीदी नहीं आए हैं। हमें भी बुलाएं, आप भी आए, लड्डू खिलाएं। यहाँ पे सब दीदी और जिया जी का वेट कर रहे हैं, पापा आए नहीं है, बस पापा का वेट कर रहे हैं, पापा को प्रणाम करेंगे और हम लोग 10 बजे रात को घूमने की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी विजयादशमी। मम्मी अब सबको मिठाई थोड़ी देने जाए, क्योंकि खाएंगे तो कोई लोग भी नहीं, लेकिन फिर भी सारे लोग आ चुके हैं, अब निकलना चाहिए। हम लोग को सारे लोग आ चुके हैं और यहाँ तो अब हम लोग यहाँ से सब निकलते हैं और आपको मिलते हैं किसी पंडाल के पास। तो देवघर में एक्चुअली कृष्णापुरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको तेरी जो है वो महाप्रसाद के रूप में बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो अभी हम लोग कार्यालय स्थल में मौजूद है और यहाँ पे हम लोग उसी प्रसाद का मजा लेते हुए
तो प्रसाद वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। तो हे गाइस, अभी बज रहा है रात के 1 और अभी हम लोग घर वापस आए हैं। खाना पीना हो गया, हम लोग का बहुत थक गए हैं। अभी मुझे जाना है एडिटिंग करने के लिए, और आना भी देखिए अभी तक जगी हुई है, उसे भी सुलाना है। तो अब अपने ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस, हम लोग का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।